हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हमें कहीं जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो हम अपना व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, कार, बाइक, टू व्हीलर, और या अगर हमारे पास व्हीकल अपना नहीं है तो हम रोडवेज की बस से जाते हैं, और या हम कोई जो है ऑटो में और या ट्रांसपोर्टेशन के जो दूसरे साधन हैं उनमें जाते हैं, जो पैसेंजर व्हीकल होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी माल वाहन में चले जाएं, मान लो ट्रक में बैठ के कहीं यात्रा कर रहे हैं या मेटाडोर में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, और उस दौरान कोई हादसा हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है या कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और उस मान लो उस वाहन का इंश्योरेंस है, तो तब जो है लायबिलिटी किसकी बनती है, उसका क्लेम कौन देगा? जिस माल वाहन में आप यात्रा कर रहे हैं उसका मालिक या ड्राइवर देगा या इंश्योरेंस कंपनी देगी? या क्या इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो व्यक्ति जिसको इंजरी हुई है या जिसकी मृत्यु हुई है वो थर्ड पार्टी होगा? तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उसी वक्त आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक अपील फाइल की गई, जिसका नंबर था 748/2019 की अंडर सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, और इसमें जो चैलेंज था वो MSET अकोला का एक ऑर्डर था, अवार्ड था, जजमेंट था, जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी थी, इसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसको माननीय MSET अकोला ने 5 लाख का कंपनसेशन जो मृतक था उस केस में उसके परिवार को देने का आदेश दिया था, और ये आदेश इंश्योरेंस कंपनी को दिया कि आप पहले पेमेंट करिए 5 लाख रुपए की, और उसके बाद जो अफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर और जो मालिक था उनसे आप वो पैसा रिकवर करिए। तो इसमें ऑब्जेक्शन हुआ इंश्योरेंस कंपनी को कि जब हमारी लायबिलिटी नहीं बनती क्लेम देने की, तो हम इंश्योरेंस का पैसा क्लेमेंट्स को क्यों दे? तो वो माननीय हाई कोर्ट में अपनी अपील लेकर आए। तो दोस्तों, केस का टाइटल है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस लताबाई प्रकाश इंगले एंड अदर्स, और इसमें कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस VG बिस्ट, और ये डेट ऑफ जजमेंट था 23/6/2022, यानी कि कल ही ये जजमेंट आई है। तो दोस्तों, इसमें क्या माननीय हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें जो कॉज ऑफ डेथ था, वो जो इसमें व्यक्ति था, उनका हस्बैंड रिस्पोंडेंट का प्रकाश इंगले उनका नाम था, ही वाज डाइड इन एन एक्सीडेंट व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग एज ए पैसेंजर बाय मेटाडोर ओन्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 3 एंड ड्रिवन बाय रेस्पोंडेंट नंबर 4। यानी कि जो मरने वाला व्यक्ति था वो एक मेटाडोर में सफ़र कर रहा था एक पैसेंजर के तौर पे, जबकि वो मेटाडोर सामान लाने और ले जाने के काम में लगाया हुआ था, और उसमें जो पैसेंजर का बैठने का कोई प्रावधान नहीं था। और जो इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने जो अपने रजिस्ट्रेंस दी है, किस ग्राउंड पे दी है क्लेम देने से, वो मैं आपको बताऊँ। उन्होंने कहा कि द ऑफेंडिंग व्हीकल हैज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, कि जो ऑफेंडिंग व्हीकल था, जो माल वाहन था, वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया मालिक के द्वारा, एंड वाज इन सब स्टैंडर्ड कंडीशन, उसकी जो हालत थी वो बहुत ही खस्ता हो चुकी थी, हैंस नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे, इसलिए हम कंपनसेशन पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, एंड इट वाज गुड्स व्हीकल, क्योंकि ये एक माल वाहन था, गुड्स व्हीकल था, इसलिए इसमें सवारी का बैठने का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि द डिसीज्ड वाज ट्रैवलिंग इन द ऑफेंडिंग व्हीकल, और मरने वाला व्यक्ति ऑफेंडिंग व्हीकल में
एक पैसेंजर के तौर पे सफ़र कर रहा था एंड एंड एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी उस मेटाडोर के संबंध में इंश्योरेंस कंपनी ने जारी की हुई थी उसके अनुसार द ऑफेंडिंग व्हीकल वॉज नॉट सपोज टू कैरी पैसेंजर्स, तो उस ऑफेंडिंग व्हीकल में सवारियां नहीं जा सकती थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ सामान जा सकता था। तो इसमें उन्होंने एक और ऑब्जेक्शन किया कि MSET अकोला ने जो जजमेंट दिया है हेल्ड दैट देयर बीइंग ब्रीच ऑफ टर्म्स, तो MSET अकोला ने माना कि ब्रीच ऑफ जो ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस थे पॉलिसी के वो हुए हैं, द इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट लाइबल टू पे, और इंश्योरेंस कंपनी पे करने के लिए लाइबल नहीं है, लेकिन फिर भी MSET अकोला ने इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्शन दे दी कि आप पहले पे करिए और बाद में ये अमाउंट ऑफेंडिंग व्हीकल के मालिक और ड्राइवर से रिकवर कर लेना एक एग्जीक्यूशन सूट डाल के। तो इसमें माननीय हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोट की है टाइटल्ड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस चोलेटा बर्तना एंड अदर्स, ये केस था एक जिसमें कहा गया था दैट मोटर व्हीकल एक्ट डजंट कंटेम्पलेट द गुड्स कैरीज व्हीकल शुड कैरी ए लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर, यानी कि उसमें कहा गया था ये जजमेंट में कि गुड्स के व्हीकल में पैसेंजर नहीं बैठ सकते, सवारियां नहीं बैठ सकती, वो सिर्फ जो ड्राइवर और कंडक्टर होता है, जो ड्राइवर और मालिक है अगर वो उसको ड्राइव कर रहे हैं या बैठे हैं सिर्फ उन्हीं का रिस्क कवर करती है, बाकी किसी पैसेंजर का रिस्क उसमें कवर नहीं होता, और द प्रोविजंस देयर ऑफ डू नॉट एंजॉइन एनी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ऑन द ओनर ऑफ ए व्हीकल टू गेट इज व्हीकल इंश्योर्ड फॉर एनी पैसेंजर। तो यह ऐसे में जो है जो ऑफेंडिंग व्हीकल का मालिक है वो अपनी अपनी ऑफेंडिंग व्हीकल को किसी भी जो है सवारी को लाने या ले जाने के लिए उसमें वो उसको जो है इंश्योर नहीं कर सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और इसलिए जो है उस व्हीकल में बैठना ये जो है एक जो वॉयलेशन है टर्म्स एंड पॉलिसी के, और ये थर्ड पार्टी रिस्क में कवर नहीं होती, इसलिए ए पैसेंजर ट्रैवलिंग इन ए गुड्स व्हीकल वेदर कैरेजेज और अदरवाइज वुड नॉट कम इन द डेफिनेशन ऑफ थर्ड पार्टी, इसलिए अगर फिर भी कोई व्यक्ति उसमें सवारी कर रहा है तो तब जो है वो थर्ड पार्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। और माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि MSET अकोला शुड हैव डिसमिस द क्लेम अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी, और जो MSET अकोला को जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके खिलाफ क्लेम को डिसमिस कर देना चाहिए था, एंड द अवार्ड शुड हैव बीन पास्ड अगेंस्ट ड्राइवर, और जो अवार्ड दिया कंपनसेशन दिया है एक्सीडेंट के केस में वो सिर्फ ड्राइवर और मालिक के लिए जो है वो डायरेक्शन होनी चाहिए थी, इसलिए माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस क्लेम पिटीशन को डिसमिस कर दिया जो इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ थी, लेकिन जो मालिक और ड्राइवर को आदेश दिया है कि वो जो है जो कंपनसेशन का अमाउंट है 5 लाख रुपए वो क्लेमेंट्स को दें, और क्लेमेंट्स को ये लिबर्टी दी है टू रिकवर द कंपनसेशन अमाउंट सो अवार्डेड फ्रॉम द ओनर एंड ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, की वो व्हीकल के ड्राइवर और ओनर से अपना कंपनसेशन रिकवर करने के लिए उनको छूट दी जाती है, वो चाहे कोर्ट केस करें चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट से रिकवरी हो, लेकिन उनको पूरी छूट है कि वो अपने 5 लाख रुपए की राशि कंपनी जो ड्राइवर है और जो मालिक है उससे रिकवर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इसके साथ में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मेरी 2 बुक्स Amazon पर अवेलेबल हैं जो मैंने खुद लिखी हैं, और उनके मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उनको परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन।